गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम कल कोलाइड के बारे में पढ़ रहे थे। कोलाइड के गुणधर्म, उसमें हमने नेक्स्ट जो लिया था वो हमारा था, अगला गुणधर्म जो था वो था विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे जस्ट जो पहले का हमने गुणधर्म पढ़ा था वो था कि कोलोइड पर आवेश होता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा आपको। कोलोइडी मीन में दो अवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था पर जो आवेश होता है उसके ठीक बराबर विपरीत प्रकृति का आवेश किस पर होता है? प्रक्षेपण माध्यम पर। लेकिन किन्हीं कारणों से परिक्षिप्त प्रावस्था वाला आवेश ज्यादा हो जाता है तो कोलोइडी मीन भी आवेशित हो जाता है। और उसके लिए कुछ विधियां पड़ी थी। उसका सबसे अच्छा रीजन जो पड़ा था वो था आयनों का अधिमान्य अधिशोषण की वजह से कोलोइडों पर आवेश आ जाता है। अब कोलोइड पर आवेश होता है, इस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि कोलोइड कणों पर क्या होता है? आवेश होता है। तो हमारा जो अगला गुणधर्म है वो है विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें देखें, आप एक यू आकार की नलिका लीजिए, एक यू आकार की नलिका, और इस यू आकार की नलिका में दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। दो प्लेटिनम के क्या लगे हुए हैं? इलेक्ट्रोड। इनकी सहायता से हम इसमें क्या प्रवाहित करेंगे? धारा। ये एनोड और ये क्या हो गया? कैथोड। इसमें एक कोलाइडिंग मीडियम को भरा गया है। एक किसी भी कोलाइडिंग मीडियम को आप इसमें भर दीजिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी सॉल्यूशन फिलअप करूंगा, जो कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। इस आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी लेयर को मैंने इस यू आकार की नलिका में भर दिया, जो खुद कैसा है? नेगेटिव। इस बात को हम आगे प्रूव कर देंगे। मैं पहले बता दिया आपको नेगेटिव है। आप जैसे इस कोलाइडी लेयर को भरकर इलेक्ट्रोड की सहायता से इसमें क्या प्रवाहित करेंगे? धारा। तो कोलोइडी कण किधर प्रवाहित होने लग जाते हैं? कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ इस छड़ पर एकत्रित होकर अपना आवेश क्या करते हैं? जीरो, क्योंकि इन पर जो आवेश है उसका विपरीत आवेश की तरफ चलेंगे। तो यहां आवेश जीरो हो जाएगा, तो ये कण यहां जमा हो जाएंगे। तो आप ये कोलाइडी कण जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने पर जो आवेश है खुद पर उससे विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लग जाते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? विद्युत कण संचलन। तो देखिए, जो आर्सेनिक सल्फाइड का सोर्स था उसके कोलाइडिंग कण किसकी तरफ जा रहे थे? उसके जो कोलाइडिंग कण थे वो किसकी तरफ जा रहे थे? प्लस की तरफ। मैं इसको माइनस बोलूंगा, ये माइनस बनाया मैंने, ये प्लस बनाया। तो ये कण किधर जा रहे थे? प्लस की तरफ। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो कोलाइडिंग लेयर मैंने इसमें भरा था उसमें कैसा कोलाइडिंग सॉल्यूशन था? नेगेटिव। तभी तो उसके कण किस एंड की तरफ गए? पॉजिटिव एंड की तरफ। तो यहां से क्या सिद्ध होता है कि कोलाइडिंग कणों पर आवेश उपस्थित होता है। तो कोलाइडिंग कणों पर आवेश की उपस्थिति किस गुणधर्म द्वारा सिद्ध होती है? विद्युत कण संचलन द्वारा, जिसको अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। एक लाइन में जब आपसे परिभाषा पूछी जाए विद्युत कण संचलन की, तो क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की तरफ गमन करने की घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत कण संचलन। रिवाइज कर रहा हूं मैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की तरफ गति करने की घटना को क्या बोलेंगे? विद्युत कण संचलन। तो ये चूंकि किसकी तरफ जा रहे हैं? प्लस की तरफ। इसका हमें तो खुद पर कैसा आवेश है? माइनस। तो इस तरह आवेश की उपस्थिति सिद्ध होती है। तो ये था विद्युत कण संचलन। इसके आगे का हमारा जो गुणधर्म है वो है कोलाइड का स्कंध।
कोलोइड का स्कंदन। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था। हमारा जो 10 नंबर का जो गुणधर्म है वो है कोलोइड का स्कंदन। देखो स्कंदन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कोलाइडल ग्लियन में दो अवस्थाएं होती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम। जब परिक्षिप्त प्रावस्था के कण प्रक्षेपण माध्यम के पहले भी एकत्रित हो जाते हैं तो हम उस घटना को क्या बोलते हैं कि कोलाइडल ग्लियन क्या हो गया, स्कंदित हो गया। और जिसका स्कंदन हो जाता है वो कोलाइडल ग्लियन रहता नहीं है, वो अस्थायी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अस्थायी। स्कंदन के हमने दो तीन नाम और भी बताए थे, स्कंदन, उर्णन या अवक्षेपण। देखिए कोलाइडल ग्लियन तभी कोलाइडल ग्लियन बोला जाएगा जब प्रक्षेपण माध्यम में प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण क्या रहेंगे, निलंबित रहेंगे। यदि कण परिक्षिप्त प्रावस्था के कण पहले पे बैठ गए तो हम ये कहेंगे कोलाइडल ग्लियन का क्या हो गया, स्कंदन हो गया। अब वो कोलाइडल ग्लियन अस्थायी माना जाएगा। तो 10 नंबर का हमारा जो गुणधर्म है वो है कोलाइडल ग्लियन का स्कंदन। इसका एक नाम होती है उर्णन, फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन और एक अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। ये तीनों नाम एक ही। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए ये कोलाइडल ग्लियन है, ये प्रक्षेपण माध्यम है, ये प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण है जिनको मैं कैसे कण भी कहता हूं, कोलाइडल कण। कोलाइडल कण का मतलब ही क्या होता है, प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण। ये कण यदि कहां बैठ गए हैं पात्र के पहले में तो मैं कहूंगा कि कोलाइडल ग्लियन क्या हो गया, स्कंदित हो गया। ठीक है, हमें कोलाइडल ग्लियन का स्कंदन करना है, उसके कणों को कहां बैठाना है, पहले में। किस कोण नहीं बैठेगा, माध्यम नहीं बैठेगा, ओनली प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण बैठेगा। इनको यहां बैठाने के लिए मतलब क्या करने के लिए, स्कंदन करने के लिए हमारे पास कुछ विधियां हैं। पहली विधि क्या है, देखिए क्वथन। क्वथन का मतलब क्या हुआ, उबाल कर आप कोलाइडल ग्लियन को गर्म कीजिए। देखिए कोलाइडल ग्लियन को जब आप गर्म करेंगे तो कोलाइडल कणों पर जो आवेश की अधिशोषित परत थी वो वहां से हट जाएगी। मैंने आपको बताया था कोलाइडल कणों पर जो अतिरिक्त आवेश आता है वो अधिशोषण के थ्रू आता है। जैसे आपने गर्म किया ऊपर जो अधिशोषित परत थी आवेश की वो हट गई, कोलाइडल ग्लियन न्यूट्रल हो जाएगा और कण काम बैठ जाएंगे पात्र के पहले। कल परसों मैंने एक एग्जाम्पल बताया था फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल, ये तो न्यूट्रल है, इस ये किसका अधिशोषण कर देता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव। तो जैसे आप इसको गर्म करेंगे ये परत यहां से हट जाएगी तो वापस से सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, उदासी कण काम बैठ जाएंगे नीचे। तो आप उबाल कर भी कोलाइडल ग्लियन को क्या करवा सकते हैं, पात्र के पहले में बैठा सकते हैं, उसका स्कंदन कर सकते हैं। दूसरी विधि हमारे पास है अपोहन, डायलिसिस। अपोहन विधि पढ़ी हमने, अपोहन भी पढ़ा है और विद्युत अपोहन भी पढ़ा है। तो आप कोलाइडल ग्लियन का थोड़ी अधिक देर के लिए अपोहन करवाइए तो भी कोलाइडल ग्लियन काम बैठ जाएगा पात्र के पहले में। तीसरी जो विधि है वो बहुत अच्छी विधि है, पारस्परिक स्कंदन। पारस्परिक स्कंदन देखिए क्या है, आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जो कैसा है, धनावेशी। आप उसमें बाहर से कैसा कोलाइडल ग्लियन मिला दीजिए, ऋणावेशी। तो प्लस और माइनस के कोलाइडल ग्लियन परस्पर निरस्त हो जाएंगे आवेश, तो दोनों कण मिलकर के कहां बैठ जाएंगे, आपको बात बता दूंगा। कोलाइडल ग्लियन पात्र के पहले में तभी बैठेंगे जब उन पर पड़ा हुआ आवेश कितना हो जाएगा, जीरो। तो सीधी सी बात है, हमें भी कोलाइडल ग्लियन को स्कंदित करना है तो उसके आवेश को क्या करना है, शून्य करना है। तो पहली विधि तो क्या थी, क्वथन। आप उबाल कर भी इस परत को हटा सकते हैं तो जीरो हो जाएगा, अपोहन करवा सकते हैं लंबे समय तक। तीसरा जो एग्जाम्पल हमारे पास है विधि पारस्परिक स्कंदन का मतलब क्या होगा, आप दो विपरीत आवेशित कोलाइडल सॉल्यूशन को मिला दीजिए। इसमें जो कोलाइडल कण है वो धनावेशित है, इसमें है वो ऋणावेशित है, परस्पर एक दूसरे के आवेश को कैंसिल कर देंगे, कण कहां बैठ जाएंगे, पात्र के पहले में।
इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पारस के सिकंदर का, वर्षा का होना। बरसात होती है, बरसात जो होती है वो किसका एग्जांपल है? पारस्परिक सिकंदर का, बादल और धुआं। तो बरसात जो है वो बादल और धुएं के कैंसिलेशन से होती है। बादल और धुआं जो है दोनों ही कोलाइडिंग इवेंट है, इन पर अलग अलग आवेश है। दोनों जब मिलते हैं तो पारस्परिक सिकंदर होता है, आवेश शून्य हो जाता है और क्या होती है? वर्षा। इसके बाद एक और अच्छी विधि है, वो है विद्युत अपघट्य मिलाकर। विद्युत अपघट्य मिला, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इसी कोलाइडिंग मीडियम में आप किसी भी कोलाइडिंग मीडियम में क्या मिलाएंगे बाहर से कोई? विद्युत अपघट्य, जिसमें कॉमन आयन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए सॉल्यूशन है आर्सेनिक सल्फाइड का, जो क्या माना जाता है? माइनस का। आर्सेनिक सल्फाइड का जो कोलाइडिंग एजेंट है वो हमारे पास कैसा है? ऋण आवेशी। आप इसमें क्या मिलाएं? कोई विद्युत अपघट्य। मैं मिला रहा हूं बेरियम क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में मिला रहा हूं। तो क्या होगा? ये जो आर्सेनिक सल्फाइड का जो सोल है ये किसको ग्रहण कर लेगा? बेरियम आयन। अब ये तो माइनस के कोलाइडिंग है, ये प्लस के आयनों को इसने ग्रहण करके आवेश क्या कर लिया? होगा जीरो, कण आवर्त जाएंगे पहले में। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि कोलाइडिंग रीजन स्कंदित हो जाते हैं, और विशेषकर आपको बता दें द्रव स्नेही कोलाइड अधिक देर से स्कंदित होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड बहुत तीव्रता से स्कंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने के लिए हमें रासायनिक अभिक्रिया करवानी पड़ती है, उन दोनों प्रावस्थाओं के मध्य स्नेही होगा। तो कोलाइडिंग एजेंट जो है वो स्कंदित हो जाते हैं। स्कंदित का मतलब क्या है? कोलाइडिंग एजेंट का कहां बैठना? पात्र के पहले में। कोलाइडिंग एजेंट का पात्र के पहले में बैठना ही कोलाइडिंग एजेंट का क्या है? स्कंदन है। अच्छा, कोलाइडिंग एजेंट का दूसरा नाम भी हो सकता है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का कहां बैठना? पात्र के पहले में। ठीक है, इसको पहले में बैठाने के लिए हमारे पास विधियां हैं। आप पतन कीजिए, अपोहन करवाइए, पारस्परिक स्कंदन भी हो सकता है। तो बाहर से किसी विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं तो कोलाइडिंग कर क्या करते हैं? उस विद्युत अपघट्य में से अपने पर जो आवेश है उससे विपरीत आवेश वाले आयन को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। आवेश क्या कर लेते हैं? जीरो, और कहां बैठ जाए? पात्र के पहले। इसके बाद इसी टॉपिक से संबंधित कुछ बहुत अच्छी परिभाषाएं हैं जो बोर्ड में भी पूछी गई है, पढ़ेंगे अभी हम। जो कोलाइडिंग मीडियम का स्कंदन है इसमें कुछ परिभाषाएं आती हैं, हर एक परिभाषा जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहली जो परिभाषा आती है वो है स्कंदन आयन। ये नाम तीनों के ही हो सकता है, स्कंदन आयन, उर्णन आयन, अवक्षेपण आयन। देखिए सुनिए, विद्युत अपघट्य है, मैंने चार विधि पढ़ी है। किसके लिए पढ़िए? चार विधि कोलाइडिंग एजेंट को कहां बैठाने के लिए? पात्र के पहले में। मैं चौथी विधि की बात कर रहा हूं। जब आप क्या मिलाएंगे? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य पदार्थ में दो प्रकार के आयन होते हैं, प्लस और माइनस। देखिए स्कंदन आयन की क्या परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा है कि विद्युत अपघट्य में उपस्थित वह आयन जो कोलाइडिंग एजेंट को क्या करता है? स्कंदित करता है। वो क्या कहलाएगा? स्कंदन आयन। देखिए अभी हमने जैसे एग्जांपल बताया था आपको आर्सेनिक सल्फाइड का ऋणावेशित कोलाइडिंग एजेंट था, उसमें आपने बेरियम क्लोराइड को मिलाया एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ये बेरियम क्लोराइड क्या है? विद्युत अपघट्य है, इसको मिलाया आपने। इसने क्या किया? इन बेरियम आयनों को क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था। बेरियम आयनों को इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो आप मुझे बताइए जो कोलाइडिंग सॉल्यूशन था जो कैसा था? ऋणावेशित था। बेरियम आयनों के आते आवेश कितना हो गया? जीरो, आवेश परस्पर कैंसिल हो गए। तो आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडिंग पर बेरियम आयनों को घन करके कहां बैठ जाएंगे? पात्र के पहले। इनको पहले ने किसने बैठाया? क्लोराइड बैठाएगा बेरियम, बेरियम ने। तो बेरियम आयन क्या कहलाएगा? स्कंदन आयन। तो क्या परिभाषा हो जाएगी?
तथा बर्टे में उपस्थित वह आयन जो उस कॉलोनी रीजन को स्कंदित करता है, वाक्य के पहले में बैठा था, वो क्या कहलाएगा? स्कंदन आयन, पूर्णन आयन या अवक्षेपण, एक ही बात। उसके बाद एक और बहुत अच्छी परिभाषा है, स्कंदन मान, कोगुलेशन वैल्यू, स्कंदन मान। देखिए स्कंदन किसने किया? बेरियम क्लोराइड में पड़े थे किसने? बेरियम ने। कितना बेरियम यूज हुआ वो क्या, उसकी क्वांटिटी क्या कहलाएगी? स्कंदन मान। तो देखिए जिसने भी स्कंदन आयन की मोल प्रति लीटर में वह मात्रा जो पाराइडी मीडियम को क्या कर देती है, स्कंदित कर देती है, वो क्या कहलाएगी? स्कंदन मान। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले सकता हूं, सपोज कीजिए आपने 2 मोल क्या लिया है, बेरियम क्लोराइड लिया है। इस कोलाइडी मीडियम को यहां बैठाने के लिए कितना बेरियम क्लोराइड यूज हुआ? 2 मोल। तो 2 मोल क्या हो जाएगा इस स्कंदन आयन का? क्या हो जाएगा? स्कंदन मान वैल्यू। तो दोनों में क्या फर्क है? विद्युत अपघट्य में उपस्थित वह आयन जो कोलोइडी मीडियम को स्कंदित करता है वो तो क्या कर रहे हैं? बेरियम की तरह स्कंदन आयन। अच्छा स्कंदन आयन की मोल प्रति लीटर में वह मात्रा जो स्कंदित करती है उसको क्वांटिटी, ये थोड़ी एक सर है, कुछ जितनी क्वांटिटी आपने मिलाई है इसकी स्कंदन आयन जिसने इनको बैठाया वो मात्रा क्या कहलाएगी? स्कंदन मान। एक और अच्छी परिभाषा है स्कंदन क्षमता, कैपेसिटी, स्कंदन क्षमता। देखिए वैल्यू में और कैपेसिटी में फर्क है। स्कंदन क्षमता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? स्कंदन मान। तो मैं कह सकता हूं स्कंदन क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। स्कंदन मान, स्कंदन जो क्षमता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? 1/2 किसके होती है? स्कंदन मान। इसका मतलब क्या हो? जिसकी जितनी कम मात्रा क्लोराइडी मीडियम को स्कंदित करेगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी अच्छी मानी जाएगी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, अदरवाइज का एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए 10 रुपए में 1 नोटबुक आ गया, वही नोटबुक $1 में आ गई, $10 में नहीं आ गई, 1 नोटबुक 10 रुपए में आ रही है, वही नोटबुक $1 में आ रही है, तो किसकी कीमत ज्यादा होगी? डॉलर की, क्योंकि $1 में आ रही नोटबुक। तो इस ये भी एक दूसरे के उल्टे देखिए, जिसकी जितनी कम मात्रा क्या कर देगी? पोलाइडी मीडियम को स्कंदित कर देगी उसकी उतनी अच्छी क्या मानी जाएगी? स्कंदन क्षमता। सपोज कीजिए बेरियम क्लोराइड को 2 मोल लेते हैं तब जाकर इसको नीचे बैठाता है, कोई दूसरा ले NaCl, ये आधिकारिक आंकड़े नहीं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, NaCl मान लो 0.5 मोल लेने से इसको नीचे बैठा देता है कणों को, तो किसकी स्कंदन कैपेसिटी ज्यादा हुई? NaCl। तो स्कंदन क्षमता का मतलब क्या हुआ? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्कंदन मान। ठीक है, तो तीनों में फर्क है, जो आयन स्कंदित करेगा वो तो स्कंदन आयन, उसकी मात्रा क्या कहलाएगी? स्कंदन मान, और स्कंदन मान जितना कम होगा उस आयन की स्कंदन क्षमता उतनी क्या मानी जाएगी? अधिक। इसी में एक रूल पढ़ेंगे अपन, और वो पढ़ेंगे हार्डी सुधीरी, हार्डी सुजेनियम। बहुत अच्छा प्रश्न है, बोर्ड के लिए बहुत बार आया हुआ है, हार्डी सुजेनियम। हार्डी सुजेनियम ने क्या किया? स्कंदन क्षमता का क्रम बताया किसके लिए? स्कंदन आयनों की स्कंदन क्षमता का क्या बताया? क्रम बताया। उसने कहा जितनी अधिक संयोजकता होगी, आवेश होगा, उस स्कंदन आयन की स्कंदन क्षमता भी उतनी क्या होगी? अधिक। जितना ज्यादा आवेश,
जितनी ज्यादा सहजता उतना ही वह तीव्र गति से क्या करेगा, स्कंदन करेगा। तो उसने कहा कि मान लीजिए आपके पास कैसा कोवैलेंट सॉल्यूशन है, माइनस का, आपके पास नेगेटिव कोवैलेंट सॉल्यूशन है, कोवैलेंट सॉल्यूशन है, उसको स्कंदित करवाना है तो कैसे आयन चाहिए? कोवैलेंट सॉल्यूशन तो माइनस का है, तो आयन कैसे चाहिए नीचे उठाने के लिए, प्लस वाले। तो आप मुझे बताएं सोडियम आयन की स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी तो मैग्नीशियम आयन की, मैग्नीशियम आयन की। तो ये इसके बाद और भी हो सकता है इस तरह एल्यूमिनियम प्लस थ्री। तो स्कंदन आयन की ऑक्सीजन अवस्था संयुक्तता आगे जितना ज्यादा होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी क्या होगी, अधिक और तीव्रता से इसको कहा बैठाएगा नीचे। तो सोडियम प्लस की बजाय मैग्नीशियम आयनों की स्कंदन क्षमता क्या होती है, ज्यादा, वो बहुत जल्दी सोडियम की बजाय कणों को कहां बैठाते हैं, नीचे। किनके कणों को, माइनस के। इसी तरह यदि आपके पास कोई धनावेशित कोवैलेंट सॉल्यूशन है उनको पात्र के कहां बैठाना है, पहले में। तो कैसे आयन चाहिए, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव लिए बताइए आप सीएल माइनस लीजिए सल्फेट, तो इस पर जा रहा है माइनस टू। तो हार्डी शुद्धि नियम का मतलब यह है कि जिस स्कंदन आयन की संयुक्तता ऑक्सीकरण अवस्था जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही क्या होगी, अधिक। तो ये हमारा टॉपिक था स्कंदन उन्नयन या अवक्षेपण। स्कंदन का बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, देखिए हम लोग गर्मियों में आइसक्रीम खाते हैं, वो जमाना तो गया, ₹1 में पानी वाली, ₹2 में दूध वाली। आइसक्रीम में जल रहता है, चीनी है, शर्करा है, रंग है उसमें, दूध का तो नामो निशान है नहीं। तो आइसक्रीम में जो जल है, जो शर्करा है और जो रंग है, ये तीनों कभी अलग नहीं होते, जल्दी से अलग नहीं होते हैं। लेकिन आप इनको कई देर तक छोड़ दीजिए, थोड़ा सा गर्म कर दो या जैसे कम ठंडे होने लग जाएंगे, रंग अलग अपने आप होने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब वो ठंडी होती है आइसक्रीम तब वो तीनों अलग अलग क्यों नहीं होते, जल अलग हो जाए, शर्करा अलग क्यों नहीं, रंग अलग क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आइसक्रीम में इन तीनों को अलग अलग होने से बचाने के लिए, मतलब इनका क्या होने से बचाने के लिए कि कहीं आइसक्रीम में रंग कहां नहीं बैठते पहले में, स्कंदित होने से बचाने के लिए आइसक्रीम में एक पदार्थ मिलाया जाता है, कौन, जिलेटिन। तो ये कोवैलेंट का एक एग्जांपल था स्कंदन का। इसके जस्ट आगे हमारे पास अगला नेक्स्ट गुणधर्म है कोलाइड का रक्षण, कोलाइड का रक्षण। तो कोलाइड के रक्षण का मतलब क्या हुआ, प्रोटेक्टिव कोलाइड, कोलाइडी मीडियम को स्कंदित होने से कौन बचाता है। अभी अभी जस्ट जो पहले का टॉपिक पढ़ा था वो था कोलाइड का स्कंदन, मतलब कोलाइडी कण जो है वो पात्र के कहां बैठ जाते हैं, पहले प्रक्षेपण माध्यम में नीचे बैठ जाते हैं। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि कोलाइडी कण पात्र के पहले में नहीं बैठे तो क्या कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला गुणधर्म है वो है कोलाइड का रक्षण, कोलाइड का रक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। देखिए रक्षण का मतलब क्या हुआ, रक्षा करना, किसकी रक्षा करना, कोलाइड की, किससे रक्षा करना, स्कंदित होने से। हम ये चाहते हैं, देखिए अभी तो हमने पहले का टॉपिक पढ़ा था, वो क्या था, वो ये था कि प्रक्षेपण माध्यम है, ये कोलोइडी कण है जिनको मैं परिक्षिप्त प्रावस्था के कण बोल रहा हूं। स्कंदन का मतलब तो क्या है, ये कण कहां बैठ गए, नीचे, ये तो स्कंदन था।
हम ये चाहते हैं कि कण नीचे नहीं बैठे, स्कंदित नहीं हो, तो स्कंदित होने से बचाने को क्या बोलते हैं, कोलोइड का क्या करना, रक्षा करना, रक्षण बोलते हैं उसको। हम ये चाहते हैं कि कोलोइडी कण जो है वो पात्र के पैंदे में नहीं बैठे, तो आपसे कोई पूछे कोलोइड का रक्षण किसे कहते हैं, तो कोलोइडी कणों को स्कंदित होने से बचाने के लिए ही, बचाने को क्या बोलते हैं, कोलोइड का रक्षण। हमने कोलोइड का वर्गीकरण पढ़ा था, तीसरे नंबर का वर्गीकरण पढ़ा था कि परिषित प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम के मध्य परस्पर आकर्षण बल के आधार पर, आकर्षण कैसा है, किसके मध्य, आपको पता है कोलाइडिंग बनने के लिए दो चीजें चाहिए, परिषित प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, और दोनों के मध्य यदि अच्छा आकर्षण बल है, प्रबल आकर्षण बल है, तो द्रव स्नेही कोलोइड कहलाएगा, दोनों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल है तो कैसा कहलाएगा, द्रव विरोधी कोलोइड। तो जो कैसे कोलाइडिंग विलीन होते हैं, द्रव स्नेही, द्रव स्नेही जो कोलोइडी विलयन होते हैं उनका आसानी से स्कंदन नहीं होता, वो आसानी से कहां नहीं बैठते, पात्र के पैंदे में, क्यों, क्योंकि माध्यम और प्रावस्था के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, जबकि जो कैसे होते हैं, द्रव विरोधी कोलोइड, जो द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन होते हैं उनका आसानी से क्या हो जाता है, स्कंदन, क्यों हो जाता है, क्योंकि परिषित प्रावस्था व प्रक्षेपण माध्यम के मध्य दुर्बल आकर्षण रहते हैं, दोनों में पटती नहीं है, दोनों आपस में मिलती नहीं है, तो द्रव विरोधी कोलोइड, इनको तो अपन विक्रियाओं द्वारा ही बनाते हैं, तो बताइए कौन से कोलोइडी विलयन का तीव्रता से स्कंदन होता है, द्रव विरोधी का। हम ये चाहते हैं कि द्रव विरोधी कोलोइड के कण भी कहां नहीं बैठे, पैंदे में नहीं बैठे, तो थोड़ी सी इसकी मात्रा मिलाएंगे द्रव स्नेही। तो देखिए मान लीजिए कैसा ही कोलोइडी विलयन है, द्रव विरोधी, द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन के कणों को स्कंदित होने से बचाने के लिए द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन में थोड़ी सी सूक्ष्म मात्रा किसकी मिलाई जाती है, किसकी मिलाई जाती है, द्रव स्नेही, थोड़ी सी मात्रा। अब क्या होगा, ये जो द्रव स्नेही कोलोइड है ये द्रव विरोधी कोलोइड के चारों तरफ रक्षी परत बना लेगा, परत बना लेगा, क्या बना लेगा, रक्षी परत। अब आप विद्युत अपघट्य मिलाइए तो ये कण जो है वो जल्दी से पात्र के पैंदे में नहीं बैठेंगे, तो बताइए द्रव विरोधी कोलोइड को स्कंदित होने से किसने बचाया, द्रव स्नेही कोलोइड ने। इस क्रिया को तो क्या बोलते हैं, कोलोइड का रक्षण, किसने बचाया, द्रव स्नेही ने, इसलिए द्रव स्नेही कोलोइडों का एक नाम और भी होता है, रक्षक कोलोइड, प्रोटेक्टिव कोलोइड। मैं इसको वापस से रिवाइज कर रहा हूं, द्रव स्नेही कोलोइड अधिक मात्रा से स्कंदित होते हैं, द्रव विरोधी कोलोइड तो विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा से क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि द्रव विरोधी कोलोइड भी आसानी से स्कंदित नहीं हो, इसके लिए क्या करते हैं, सूक्ष्म मात्रा किसकी मिलाते हैं, द्रव स्नेही की। तो द्रव स्नेही कोलोइड के जो कण है वो द्रव विरोधी कोलोइड के चारों तरफ क्या बना लेते हैं, रक्षी परत बना लेते हैं, और इस तरह इनका आसानी से स्कंदन नहीं होता, इनका विरोधी का। तो देखिए इसलिए द्रव स्नेही कोलोइड को कैसा कोलोइड बोलते हैं, रक्षक कोलोइड। तो इसकी एक परिभाषा हो सकती है, द्रव स्नेही कोलोइड द्वारा द्रव विरोधी कोलोइड को स्कंदित होने से बचाने की घटना को क्या बोलते हैं, कोलोइड का रक्षण। इसके कुछ एग्जांपल है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था आइसक्रीम का, स्याही दे दीजिए, स्याही में क्या क्या होता है, स्याही में दो चीजें होती है सब, एक तो होता है विलायक और एक होता है रंग कलर, दो चीजें होती है स्याही का मतलब, दो चीजें, एक तो उसमें क्या है विलायक और इसमें क्या है रंग, कभी भी विलायक और कलर अलग नहीं होते सामान्यतः, क्यों, हम ये चाहते हैं कि विलायक में रंग गुलारे अच्छी तरह, रंग अलग हो जाएगा तो स्याही लाल
स्तंभ नहीं हो, विलायक और शाही रंग क्या नहीं हो, कभी भी अलग अलग नहीं हो, इसलिए शाही में क्या मिलाते हैं पता है आपको, बबूल का गौन, बबूल का क्या मिलाते हैं, गौन। और वो किसका काम करता है, रक्षण का, प्रोटेक्टिव कलर का काम करता है। ये बबूल का गौन जो है कभी भी विलायक को रंग से अलग होने नहीं देगा, मतलब इस रंग का क्या नहीं होगा, अवक्षेपण नहीं होगा। तो ये कोलोइड का रक्षण था। इसमें एक बहुत अच्छी परिभाषा है और वो है, थोड़ी कठिन भी है, आप इसको टुकड़े में समझ सकते हैं, स्वर्णांग। गॉल नंबर, स्वर्णांग या गॉल नंबर, ये किससे संबंधित है, रक्षण से संबंधित है। देखिए मैं इसको टुकड़ों में लिखने जा रहा हूं, रक्सी कोलोइड, रक्सी कोलोइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml स्वर्ण सोल में उपस्थित हो तो, उपस्थित हो तो 1 ml 10% NaCl विलयन, से स्कंदन नहीं होने देती। देखिए रक्षी कोलोइड किसको कहते हैं, द्रव स्नेही कोलोइड को, स्कंदित होने से बचाने का कार्य किसका है, द्रव स्नेही का। किसको बचाने का कार्य है, द्रव विरोधी कोलोइड को। तो किसी द्रव स्नेही कोलोइड की, मतलब किसकी, रक्षी कोलोइड की, रक्षी कोलोइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो, यदि मैं किसमें बोल दूं, मैं मात्रा 10 ml गोल्ड सोल में की पड़ी हो, रक्षी कोलोइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो यदि 10 ml किसमें पड़ी हो, स्वर्ण सोल में पड़ी हो, तो वो स्कंदन नहीं होने देती। कौन नहीं होने देती स्कंदन, वो मात्रा किसका, 10 ml स्वर्ण सोल का, किसके द्वारा, 1 ml द्वारा। 1 ml किसका है, 10% NaCl सॉल्यूशन। आप NaCl का 10% सॉल्यूशन बनाइए, उसका 1 ml लीजिए, 1 ml जो है वो 10 ml स्वर्ण सोल का क्या कर देता है, स्कंदन कर देता है। और ये नहीं करने के लिए कार्य है, वो मात्रा क्या कहलाई रक्षी कोलोइड की, स्वर्णांक या गोल्ड नंबर। मैं इसमें एक एग्जांपल से बताऊंगा, मान लीजिए आपके पास 10 ml का स्वर्ण सोल है, दो आपके पास रक्षी कोलोइड है, एक आपने इस रक्षी कोलोइड की 2 मिलीग्राम मात्रा किसमें मिलाई, स्वर्ण सोल में, और 1 ml 10% का मिलाया, स्वर्ण सोल स्कंदित हो गया, तो ये 2 mg क्या नहीं है, स्वर्णांक नहीं है। फिर आपने 2 से बढ़ाकर 3 मिलीग्राम मिलाया, किसको, रक्षी कोलोइड को, किसमें, 10 ml स्वर्ण सोल में। इस बार जब आपने 10% NaCl का 1 ml इसमें मिलाया तो स्कंदन हुआ ही नहीं, तो किसने रोक दिया स्कंदन, 3 मिलीग्राम ने। तो ये मात्रा जो है ना वो क्या कहलाएगी, स्वर्णांक कहलाएगी। देखिए जिसका स्वर्णांक अधिक होगा उसकी रक्षण क्षमता कम होगी, तो सर्वाधिक जो रक्षण क्षमता होती है, प्रोटेक्टिव जो कोलोइड होता है वो होता है जिलेटिन, इसीलिए आइसक्रीम में मिलाया जाता है ताकि रंग और शर्करा ज्यादा नहीं हो। और जो सबसे कम जो रक्षण क्षमता है वो किसकी होती है, स्टार्च की। तो सबसे अधिक रक्षण क्षमता किसकी, जिलेटिन की, तो सबसे कम गोल्ड नंबर किसका हुआ, जिलेटिन का, सर्वाधिक गोल्ड नंबर किसका हुआ, स्टार्च का। मैं इस परिभाषा को वापस से रिवाइज करूंगा कि 10% NaCl विलयन का कितना एमएल, 1 एमएल किसका स्कंदन कर देता है, 10 ml स्वर्ण सोल का क्या कर देता है, स्कंदन कर देता है, कौन, 1 ml। और यह काम नहीं करने दे वो मात्रा क्या कहलाएगी, रक्षी कोलोइड की, स्वर्णांक कहलाएगी। तो इस तरह कोलोइड के गुणधर्म जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं।
इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा कोलोइड के अनुप्रयोग। कोलोइड का देख लीजिए में क्या क्या महत्व है, और मैं आपको रेगुलर जो है वो इसके नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप पेपर कॉपी में करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।